Good morning all. What we have discussed in our last class, about yogasan, जिसमें पन्ने देखा था four type of yoga, ठीक है, ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, combination of different आसन्स का, जिसमें जो सूर्य नमस्कार है उसमें different आसन्स का combination होते हैं. About that we have already discussed, okay, and we also seen an activity जिसमें अपन ने देखा था कि अगर अपन अपने माउथ से अगर ग्लो करते हैं अपने ग्लास या मिरर पे तो वो ब्लर हो जाता है. आफ्टर सम टाइम जब आप देखते हो तो वो ब्लर हो जाता है. ब्लर होने का रीजन क्या होता है, आई टोल्ड यू अबाउट दैट, ओके. एंड और अपन ने एम्प्टी ग्लास का भी देखा था और अपन ने अपनी जो ब्रीथिंग रेट है वो कैसे इंक्रीज होती है एंड कैसे डिक्रीज होती है उसका भी अपन ने डिस्कस किया था, ओके. सो today's topic is think and answer the following questions, okay. Here are some questions I given you. Can we lit a fire on a high place by blowing air from our mouth? क्या जब आप higher places पे जाते हो, can we lit up fire? तो क्या आप can we lit a fire? Lit means क्या हो गया, कैपेसिटी, ओके, कितना आप कर सकते हो. लिट अ फायर ऑन ए हाई प्लेस, जब आप हाई प्लेस पे जाते हो तो क्या आप फायर को जला सकते हो बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम आर माउथ. आप अपने माउथ से एयर निकाल के क्या फायर जला सकते हो. सो आंसर इज यस. नेक्स्ट वी हैव इज कैन वी एक्सटिंग्विश द फायर बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ. क्या आप फायर को जो आग लगी हुई है उसको बुझा सकते हो. सो यू कैन ऑल्सो राइट हियर यस. इन दिस पिक्चर यू कैन सी फ्लूइड प्लेट बाय ब्लोइंग एयर इन इट. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, फ्लूट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको ब्लो करके प्ले किया जा रहा है. Which musical instruments are played by blowing the air from the mouth? तो आप ये बता सकते हो कि अपने माउथ से ब्लो करके ऐसे और कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो प्ले किए जाते हैं, ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज थिंग्स टू डू. सो फर्स्ट वी हैव क्लोज वन साइड ऑफ एन एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड बाय स्टिकिंग ए पेपर ऑन इट. आपको क्या करना है, जो इस टाइप से थ्रेड की जो रील होती है, जिसपे इस तरह से थ्रेड लगा हुआ होता है. नाउ मेक ए स्मॉल होल, उस पर आपको क्या करना है, उसका जो वन साइड है वो आपको क्लोज कर देना है पेपर से. पेपर इस टाइप से आपको क्या करना है, पेपर से स्टिक करके इसको क्लोज कर देना है इस टाइप से, ओके. तो वन साइड आपने क्या किया, अच्छे से उसको क्लोज कर दिया, ओके. नाउ मेक ए स्मॉल होल नियर द क्लोज्ड साइड. ये जो क्लोज्ड साइड है इसके पास में आपको एक स्मॉल होल बनाना है. प्लेस ए सीड ऑफ मून स्वीट कैन प्लांट सरकंडा ऑन द होल. और आपको इस होल में क्या करना है, सीड आपको इसमें डाल देना है एंड ब्लो एयर फ्रॉम द ओपन एंड. और ये जो ओपन एंड है इससे आपको एयर ब्लो करनी है. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है, ओके. तो ये एक्टिविटी आपको करके देखना है, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज सिट रिलैक्स एंड ब्रीथ इन ए नॉर्मल वे. आपको रिलैक्स लिए आराम से सिट हो जाना है और नॉर्मल वे में आपको क्या करना है, ब्रीथ करना है. वॉच इन द क्लॉक एंड काउंट योर ब्रीथिंग रेट इन वन मिनट. और आपको क्या करना है, वॉच में देखते हुए आप अपनी जो ब्रीथिंग रेट है उसको काउंट करना है. ऑल्सो रिपीट दिस सेम एक्सरसाइज विद अदर स्टूडेंट्स. और ये ही सेम एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, अदर स्टूडेंट्स के साथ में, या फिर अभी जैसे लॉकडाउन में आप अपने हाउसेस में हो तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हो, ओके. लेट मी टेल यू अगेन बॉक्स एक्टिविटी, ओके. फर्स्ट विल डू, आपको इस तरह से जो रील है वो लेना है, इसका वन साइड जो है वो आपको क्लोज कर देना है पेपर स्टिक करके और
इसमें आपको हॉल बना देने हैं, अंडरस्टैंड? नाउ अब आपको क्या करना है कि ये जो ओपन आपने ओपन पोरिस का जो छोड़ा है उसे आपको ब्लो करना है, और जिस हॉल में आपने शीट डाला था उसमें आपको देखना है कि इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी हैव इज आपको रिलैक्सली नॉर्मल वे में आराम से सिट हो जाना है, और आपको क्या करना है अपनी रिलैक्सली आपको ब्रीथिंग करनी है, और जो 1 मिनट में आपको वॉच को देखते हुए ये बताना है कि 1 मिनट में जो ब्रीथिंग रेट है वो आपकी कितनी होती है, आपको अपनी ब्रीथिंग रेट काउंट करनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने हाउस मेंबर्स के जो भी पीपल हैं, क्योंकि क्लास में भी आप हो नहीं, तो आप अपने जो भी कजन्स वगैरह अपने हाउस में आपके घर में जो भी लोग हैं उनकी ब्रीथिंग रेट को आपको क्या करना है, काउंट करना है। नेक्स्ट वी हैव इज और नेक्स्ट एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज आपको फॉलो करनी है, इनको परफॉर्म करके आपको देखना है। रन एंड टेक 2-3 राउंड ऑफ द प्ले ग्राउंड इन योर स्कूल, आपकी स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है उसमें आपको 2-3 राउंड करना है, ओके? नाउ नोट द टाइम एंड काउंट योर ब्रीथिंग रेट इन 1 मिनट। अब आपको क्या करना है, 2-3 राउंड आपने अपने प्ले ग्राउंड के किए, ठीक है? आफ्टर देन आपको क्या करना है, ये राउंड करने के बाद आपको क्या करना है, जो ब्रीथिंग रेट है आपकी 1 मिनट में, 1 मिनट में जो आपकी ब्रीथिंग रेट है उसको आपको काउंट करना है आफ्टर 2-3 राउंड। 2-3 राउंड करने के बाद मीन्स ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपने कोई चेंज ऑब्जर्व किया है? एक तो आप रिलैक्सली आप बैठे हो, फिर आपने अपनी ब्रीथिंग रेट काउंट की है, एक आपको क्या करना है राउंड करके आना है, मतलब आप रन कर रहे हो, आफ्टर देन आफ्टर रनिंग आपको क्या करनी है अपनी ब्रीथिंग रेट फिर से काउंट करनी है। यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपने कोई चेंज ऑब्जर्व किया? योर ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीज और डिक्रीज, आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, ये आपको बताना है। नाउ ए हेल्दी पर्सन ब्रीथिंग 15-20 times इन ए मिनट, एक जो हेल्दी पर्सन है उसकी जो ब्रीथिंग रेट है वो 15-20 times इन ए मिनट, 1 मिनट में 15-20 minutes होती है। बट वेन वी रन प्ले और वॉक फास्ट, जब आप बहुत ज्यादा रन कर लेते हो, अच्छे से आप प्ले कर लेते हो, या फिर आप फास्टली रन कर लेते हो या फिर प्ले करते हो, आर ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस, तो आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके? विद ए मेजरिंग टैब, मेजर योर चेस्ट साइज, आपको मेजरिंग टैब लेनी है और आपके चेस्ट की जो साइज है उसको आपको मेजर करना है। नाउ फोर्सफुली इनहेल एयर एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट, अब आपको क्या करना है, आपको इनहेल करना है, ओके? जोर से आपको अच्छे से सांस लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो आपके चेस्ट का मेजर करे, सिमिलरली मेजर अदर क्लासमेट चेस्ट, और इसी टाइप से आपको क्या करना है, जब आप नॉर्मल वे में हो तब आपको आपके चेस्ट की साइज जो है वो मेजर करनी है, ओके? और जब आप इनहेल कर रहे हो एयर को तब आपको क्या करनी है, चेस्ट की साइज जो है वो मेजर करनी है। डज द साइज ऑफ द चेस्ट इंक्रीज आफ्टर इनहेलिंग एयर, तो आपकी जो चेस्ट की जो साइज है, डज द साइज ऑफ द चेस्ट इंक्रीज आफ्टर इनहेलिंग एयर, जब आप इनहेल कर रहे हो एयर को अंदर ले रहे हो तो क्या आपके चेस्ट की जो साइज है वो इंक्रीज हो रही है, ओके? ये आपको बताना है। सो जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो ये आप ऑब्जर्व कर पाओगे, अच्छे से ये चीज बता पाओगे, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी हैव इज नाउ सिंग द फॉलोइंग लाइंस इन रिदम विद योर क्लासमेट्स, ये यहाँ पे कुछ लाइंस आपको दी हुई है, आपको रिदम में आपको अपने क्लासमेट्स के साथ में क्या करनी है, सिंग करनी है, ओके? Gams make us energetic, gams make us healthy and beautiful. Gams teach us to be skillful, gams do not discriminate, gams develop brotherhood. तो ये जो भी आपकी है, आपको इसमें आप जिस भी तरीके से आप इसको गा सकते हो,
इसे आपको ट्राई करना है, आपको इसको सीखना है. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द नेम्स ऑफ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्समैन पर्संस हु मेड अस फील प्राउड विद देयर अचीवमेंट्स. अपनी कुछ स्पोर्ट्स पर्संस हैं जिन्होंने अपने को प्राउड फील करवाया, तो कौन कौन से हो गए अपने, इन स्विमिंग भक्ति शर्मा, स्विमिंग में कौन फेमस है, भक्ति शर्मा, इन आर्चरी लिंबाराम, इन बॉक्सिंग मैरी कॉम, इन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर. ओके, तो ये कुछ पर्संस हैं जो अपने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं और इन्होंने अपने को प्राउड फील करवाया. आउट ऑफ द अबाउ मेंशन गेम्स, यहाँ पे कुछ गेम्स आपको दिए हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज गेम्स विच गेम आर यू इंटरेस्टेड इन डिस्कस, कौन से गेम में आप इंटरेस्टेड हो, आपको डिस्कस करना. अंडरस्टैंड नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो थैंक यू.